शुरू हो गई। हमारे साथ रायपुर लोकसभा के प्रत्याशी प्रमोद दुबे जी हैं, वो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर जो शेष बाहर मतगणना स्थल है वहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे बात करते हैं क्या परिणाम निकल कर आएगा। मेहनत काफी आपने की है, रायपुर के साथ साथ देश में क्या रिजल्ट निकल कर सामने आएगा। अब देश के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ में और रायपुर के परिणाम बड़े सकारात्मक रहेंगे। जरूर ये अफवाह का प्रयास किया गया कि फलाने के नाम में वोट दे दो, ढेकाने के नाम पर वोट दे दो, जैसे भगवान के नाम में कोई मंगता है उसी प्रकार का ये चुनाव था। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के बजाय छत्तीसगढ़ में लोग काम के आधार पर वोट डालेंगे। और कांग्रेस पार्टी ने जो टिकट का वितरण किया, माननीय राहुल गांधी जी ने, माननीय भूपेश बघेल जी ने, और उसके बाद जो हमारी सरकार ने राज्य में काम की है और शहर में जो हम लोगों ने काम किया है, उसका प्रतिफल अच्छा मिलेगा, ऐसा उम्मीद और विश्वास दोनों। कितना आश्वस्त है रायपुर के लिए? 100%, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में क्या रहेगा देखा जाए तो परिणाम? अच्छे परिणाम रहेंगे और हमें ऐसी उम्मीद है कि 11 की 11 सीटें हम लोग जीतेंगे। थे हमारे साथ रायपुर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे, जो पूरी तरह से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो एनडीए की सरकार थी, जो केंद्र की सरकार थी, उन्होंने राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ा, जबकि 5 सालों में जो 576 वादे उन्होंने किए थे उसको पूरा करने का काम नहीं किया। कैमरामैन अखिलेश के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बिल्कुल।